नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्रश्न में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी आपकी मैं बात करूं, रेलवे की वैकेंसीज आपके रन पे है। और रेलवे की वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो एक आपका टॉपिक मेंशन किया गया है जिसे कहते हैं कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो भारत के कला और संस्कृति में सभी एक अलग अलग समुदायों की एक अलग अलग क्या होती है, उनकी विशेषता होती है। इन विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इन विशेषताओं से जो आपके रिलेटेड है उनमें आपका एक अहम टॉपिक है कौन सा, जनजातियों के जो आपके त्योहार और मेले होते हैं ना, इससे लेकर के आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, आपने देखा भी होगा इनसे। तो उसी की तरफ एक हमारा प्रयास है, वो प्रयास ये है कि आपके एग्जाम में इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन सही हों। तो उसमें सही होने के साथ साथ कंडीशन ये है कि हम इसको पहले फैक्ट बेसिस पे करेंगे, यानी सारे फैक्ट्स हम एक जगह देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला आपका है त्योहार, वो है आपका भगोरिया त्योहार। अगर भगोरिया की मैं बात करूं तो भगोरिया बेसिकली आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मनाया जाता है। यह एक फसल उत्सव है, ध्यान रखिएगा, फसल उत्सव होता है बेसिकली रबी की जो फसल की पकने की अवधि होती है ना, उसी के बीच में ये मनाया जाने वाला त्योहार है। ये फरवरी से लेकर के आपके मार्च के बीच में मनाया जाता है, फागुन महीने में ये मनाया जाता है। ये भील जनजाति, जो आपके भील जनजाति है ना मध्य प्रदेश के, वहां की भील जनजातियों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। और ये जीवन साथी के चुनाव का भी एक प्रतीक है। असल में क्या होता है, आदिवासी समूह में अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसे लेकर के भाग जाता है, ठीक ना, और भागने के बाद में मिलकर के समुदाय के लोग क्या करते हैं, आदिवासी समुदाय के, उनकी शादी करा देते हैं। तो जीवन साथी के चुनाव की भी बात इसमें आ जाती है। इसी तरह से आपके नागाजी का मेला होता है। नागाजी का मेला जो है ना उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है, ध्यान रखेंगे। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और अकबर के समय से ये मेला मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, पहले इसमें बंदरों का व्यापार ज्यादा होता था, अभी क्या है कि ये बंदरों का व्यापार जो है एक तरह से लुप्त हो गया है और घरेलू पशुओं के व्यापार की बात यहाँ पे, घरेलू पशु जैसे आपके कुत्ता बिल्ली जो भी आपके होता है पालने की बात होती है, उनकी बात आपकी घरेलू पशुओं का व्यापार होता है। ये जो त्योहार है ना संत नागाजी की याद में मनाया जाता है। मेघनाथ का मेला, अगर मेघनाथ के मेला की मैं बात करूं तो मेघनाथ का मेला आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। ध्यान रखेंगे ये जो गोंड जनजाति है ना, ये अपने आप को रावणवंशी मानते हैं। तो रावणवंशी अपने आप को मानते हैं, तो उन रावणवंशी मानने के क्या होता है कि रावण का पुत्र जो था वो मेघनाथ, उनकी स्मृति में ये त्योहार मनाया जाता है। फागुन महीने के पहला पक्ष जो होता है उस पहले पक्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक त्योहार होता है आपका काकसार पर्व। काकसार जो आपका त्योहार होता है, ये काकसार त्योहार आपके मध्य प्रदेश के अबू झामड़िया जो आपका आदिवासी जनजाति है, उस अबू झामड़िया के आपके जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो युवा लड़के और लड़कियां होती है ना, ये डांस करते हैं, मतलब नृत्य करते हुए जाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं नृत्य करते हुए। ये भी एक तरह से जीवन साथी के चुनाव का क्या है, प्रतीक होता है। अगर मैं बात करूं लारू काज पर्व के बारे में, तो लारू काज पर्व जो है ये भी मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये सुअर की बलि से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये सुअर की बलि से रिलेटेड है। और ये जो त्योहार है, गोंड समुदाय के लोग नारायण देव की सम्मान में मनाते हैं। और ये जो होता है ना, ये त्योहार आपके सुअर विवाह का प्रतीक माना जाता है, तो सुअर विवाह के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। दिवासा पर्व के बारे में मैं बात करूं तो दिवासा पर्व बेसिकली मध्य प्रदेश में आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश का त्योहार है ये। बेसिकली आपके इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रदेव कौन है तो इंद्रदेव वर्षा के देवता कहे जाते हैं। और वर्षा के देवता की अगर मैं बात करूं तो वर्षा के देवता जो है आपके इंद्र है। ये बेसिकली आपके सावन महीने की अमावस्या को ये मनाया जाता है त्योहार। बस्तर त्योहार, बस्तर त्योहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व का सबसे लंबा मेला अगर कोई है तो वो बस्तर दशहरा है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, आदिवासी समूह का ये क्या है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूहों का मेला है। 75 दिन का मेला होता है जिसमें 13 अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा मेला है, अगस्त में शुरू होता है, अक्टूबर में खत्म होता है। इसी तरह से गोंचा फेस्टिवल जो है, गोंचा फेस्टिवल भी आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये आपके रथ या गुंडीचा उत्सव होता है,
इसे रथ या गुंडीचा उत्सव भी कहते हैं। असल में क्या है कि ये पुरी का जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है ना, उसी रथ यात्रा की तरह ही क्या है, ये एक तरह से रथ यात्रा की तरह ही एक त्योहार मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा। ठीक है, मंडई उत्सव मनाया जाता है आपके कहां पे, तो मंडई उत्सव जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का ये भी फेस्टिवल है। देवी दंतेश्वरी की पूजा करी जाती है इसमें और मार्च महीने में ये मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हरेली की बात करूं मैं, तो हरेली आपका फेस्टिवल, जिसका हरेली का मतलब होता है हरियाली, सब जगह हरियाली बिखरी हुई है। ध्यान रखेंगे ये हरियाली आपका छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव फसल उत्सव है। बेसिकली इसमें जो आपके आदिवासी, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समूह होते हैं ना, वो आदिवासी समूह किसकी पूजा करते हैं, तो कुटकी दाई की पूजा करते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर एक रतौना त्योहार होता है जो छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सरहुल त्योहार आपके झारखंड राज्य से संबंधित है, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और ये अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड के मुंडा उराव संथाल जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है, तो उनके द्वारा मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात करूं मैं टूसू पर्व के बारे में, तो टूसू का मतलब होता है कुंवारी, और टूसू जो है ये नारी के सम्मान में मनाया जाता है। झारखंड का ये भी त्योहार है, ध्यान रखेंगे झारखंड का त्योहार है। झारखंड की कुड़मी और आदिवासी समुदाय के द्वारा क्या होता है, ये टूसू पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ये शुरू होता है, एक माह तक ये चलने वाला त्योहार है, नारी के सम्मान में ये मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, भगता पर्व भी एक त्योहार है, कहाँ का, ये झारखंड का त्योहार है जो बसंत और गर्मी के बीच की अवधि में मनाया जाता है। बसंत की शुरुआत और गर्मी का आगमन, उसके बीच में जो आपका त्योहार मनाया जाता है, भगता पर्व मनाया जाता है। बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है इसमें। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोग उपवास भी रखते हैं, ठीक ना, छाऊ नृत्य करते हैं इसी में, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जानी शिकार उत्सव आपके झारखंड में मनाया जाता है, जो बेसिकली 12 साल में एक बार आता है। जानी शिकार उत्सव है जो 12 साल में एक बार आता है। महिला पुरुष के महिला क्या करती है, महिला बेसिकली पुरुष के कपड़े पहनकर क्या करती है, शिकार पर जाती है। ये त्योहार जो है ना, ये त्योहार अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक ना, उस अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को अपने यहां से भगाने की याद में ना ये त्योहार आपका मनाया जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के जनजाति त्योहार रहे जो जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की और एक दो वीडियो में हम जनजाति त्योहारों को पूरा कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियो को छोटा छोटा रखेंगे, ताकि आप जल्दी से उसे रिकॉल कर पाए, जल्दी से आप उसे याद कर पाए। ध्यान रखिएगा इसी तरीके की और भी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आपके जीके की जो आपका स्टैटिक जीके पोर्शन है, उस स्टैटिक जीके पोर्शन की तैयारी मैं जरूर करा दूंगा आपको। ध्यान रखिएगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सेशन अपने यार दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।